एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। शिक्षकों के लापरवाही बरतने से बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। जशपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, शिक्षक रहते हैं स्कूल से नदारद। ऐसा ही ताजा मामला आया है दुलदुला जनपद के तहत ग्राम पंचायत गोंड अबा के। आदर्श शासकीय प्राथमिक शाला का, जहां 2-3 शिक्षकों की नियुक्ति है, परंतु दुर्भाग्य कहें या लापरवाही, इस स्कूल में आज 12 बजे कोई शिक्षक का नहीं रहना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। साथ में आपको बता दें कि सड़क से लगा हुआ है स्कूल भवन, जहां छोटे छोटे बच्चे अंदर बाहर आना जाना कर रहे थे, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है, क्योंकि स्कूल भी बस्ती से दूर है। ग्रामीणों ने बताया कि सप्ताह में 2-3 बार भी यहां शिक्षक आते हैं, वहीं एक शिक्षक तो स्कूल ही नहीं आता है। वहीं ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने बताया कि एक शिक्षक जिसका नाम प्रताप सिंह है, कई दिनों से इस पाठशाला में नहीं आए। शिक्षकों की अनुपस्थिति से बच्चों के शिक्षा व स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पालकों में भी काफी नाराजगी देखी गई है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसे शिक्षकों को कब तक नजरअंदाज करेंगे। तो ये डेली नहीं आते हैं कि कभी कभी आते हैं? कभी कभी आते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर का? प्रताप साहब। और मैडम का? कहाँ कहाँ से आते हैं लोग? तो आप लोगों को यहाँ खाना मिलता है डेली? क्या मिलता है खाने में? कब से मिलता है? डेली मिलता है कि अभी बंद था बीच में? हड़ताल चल रहा था उस समय, अपने घर से लाते थे। क्या नाम है गुड़िया आपका? कौन नहीं आते हैं? आए थे, रिटर्न हो रहे थे। कहाँ है? मास्टर मैडम नहीं थे। तो क्या हमेशा ऐसे ही होता है? बीच में ऐसे ही करते हैं। हाँ। कोई पढ़ाने के लिए नहीं रहता है। तो सप्ताह में 3 दिन आ रही, 4 दिन छुट्टी। हाँ। अच्छा, 3 दिन आते हैं तो 4 दिन छुट्टी, ऐसा कर रहे हैं? तो आप लोग सरपंच पंच पटेल को नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं, बीच में तो सरपंच को मैं बताया था। अच्छा, स्कूल में लापरवाही पढ़ाई हो रहा है, बच्चे लोग ऐसे खराब कर रहे हैं बच्चे लोग का। तो ये ऐसे में बच्चे लोग बिना गार्जियन के यहाँ पर रहेंगे, तो इनका कोई जवाबदारी, किसका जवाबदारी है? हम लोग तो घर से भेज देते हैं भाई। कल के दिन यहाँ कोई कुछ हो जाए, मेन रोड कुछ हो जाएगा तो किसका रिक्स होगा? मैडम लोग का रिक्स होगा। बीच रोड में है स्कूल और मैडम लोग नहीं रहेंगे तो बच्चे लोगों को तकलीफ होगा ना, और बीच रास्ता में एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन का मम्मी पापा थोड़ी ना जानेंगे कि क्या हो रहा है कहके। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ में इनकी सुरक्षा का भी दृष्टि से काफ़ी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। तो आप लोग फिर इस तरह का फिर पढ़ाई उढ़ाई कराना, मतलब यहाँ इस क्षेत्र में परेशानी है। रोड भी है, यहीं पर मेन रोड है, बच्चे लोग तो बाहर निकलेगा घुसेगा, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा तो बच्चा तो जाएगा ही बाहर। क्या नाम है आप लोगों का? गोड़ाम्बा में। तो यहाँ कैसे आना हुआ आप लोगों को? और सब कई परिजन भी यहाँ दिख रहे हैं और बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं, शिक्षक भी नहीं है, क्या बात है? मोबाइल के द्वारा ही सूचना मिला कि यहाँ टीचर नहीं है, तो उसी को देखने के लिए ही मैं नीचे आया। तो ये कैसे होगा, यहाँ किसकी जिम्मेदारी है? बच्चों की जिम्मेदारी टीचरों की है, सबकी है, पंचायत की है। तो यहाँ स्कूल में तो भाई पंचायत क्या करेगा, स्कूल में तो शिक्षक शिक्षक ही है, वो तो शिक्षक के ऊपर ही मतलब भरोसा करके भेजते हैं उनका मतलब पालक। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह सप्ताह में 3 दिन 2 दिन आते हैं, बाकी दिन नहीं आते हैं, आपका क्या कहना है?
नहीं, एक टीचर है तो प्रताप सिंह करके, वो हमेशा मतलब गायब रहते हैं, बाकी मैडम तो कल तो थी, मैं देखा था। तो कभी कभी आते हैं मैडम भी, बाकी दिन तो बच्चे लोग ऐसे ही रहते हैं। नहीं तो बच्चे लोग ही मतलब बीच में काहे कभी कभी नहीं भी देख पाते होंगे, लेकिन जब भी देखता हूँ मैडम रहती है। लेकिन अब प्रताप सर हमेशा मतलब 8-15 दिन लगभग हो जा रहा है मतलब गायब ही है, मतलब गायब है, मतलब मैं पूछा भी बीच में, लेकिन मैं छुट्टी में हूँ बोली। नशा भी करते हैं क्या वो? नशा, हाँ नशा तो करते होंगे, लेकिन उस टाइप मतलब नशा करते हुए तो खाद नहीं मिल पाया हूँ, ज़्यादा नशा जैसे तो नहीं दिखते हैं। बाकी मतलब पूछा कि कैसे इधर उधर घूमते रहते हैं अपना ड्यूटी छोड़ के, दूसरे मतलब हमेशा ढोड़ियारा स्कूल में दिखते हैं, तो आपका ड्यूटी तो वहाँ है, तो नहीं अभी मैं छुट्टी हूँ। ठीक, धन्यवाद।